तो दोस्तों, साउथ कोरिया के हाईवेज पूरे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हाईवे है। ये अपनी सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, और इसी तरह की टेक्नोलॉजी मान लीजिए अब भारत को भी ये देने को तैयार है। दरअसल साउथ कोरिया अब एक्सटेंड कर रहा है 1500 करोड़ रुपीस का लोन, और इसके दम पे हमारा मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे पूरी तरह से लैस हो जाएगा विद इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस तरह के सस्टेनेबल मॉडल को एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिकली साउथ कोरिया तैयार है थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके दम पे हम भारत में ये टेक्नोलॉजी लाएंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे विद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब इस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मैं आपको खास बात और भी बता दूं कि ये बेसिकली हमारे जो टोल है, टोल मैनेजमेंट, इससे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। आसानी से फिर हम ट्रैफिक होने से बचा सकते हैं, जो भी बॉटल नेक फॉर्मेशन है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है इस तरह के काफी एडवांस वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के दम पे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पैकेज है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इसमें और क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले इसमें आता है वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, फिर विजुअल मैसेज सर्विस, ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस होता है पूरे रूट का, लेन कंट्रोल सिस्टम, फिर टनल मैनेजमेंट सिस्टम, वे इन मोशन, स्पीड एंड लेन एनफोर्समेंट, और इसे तमाम सारे ढेरों सारे फीचर। काफी सारे तो ऐसे फीचर है जो आज तक भारत में नहीं आए हैं, और साउथ कोरिया की ये टेक्नोलॉजी के दम पे हमारे ये जो एक्सप्रेस पे हम बना रहे हैं, ये तो आने वाले समय में ड्राइवरलेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट को भी, ऐसे कैपेबल ये एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात है इसकी स्पीड, बिकॉज आज के समय में पूरे भारत में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे है, जहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी टॉप स्पीड से डिजाइन किया जा रहा है। व्हीकल्स यहां पर आराम से 100 से 120 किलोमीटर पर आवर आसानी से जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और आपको बता दें, जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये बिल्कुल अमेरिकन एक्सप्रेसवे की तुलना में बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल है। वहां के हाईवे में भी लगभग इसी प्रकार की स्पीड लिमिट रहती है। तो भारत के ऐसे फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेसवे जो साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अब लैस होने वाले हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।